Looking for an iPhone 12 Pro Max. That's how we do it. So look at him, he's doing it. He's fast for it. दोस्तों इस वीडियो में इस लड़की ने एक रोज़ेदार को आईफोन का लालच देकर उसको रोज़ा तोड़ने को कहा, लेकिन जो आगे हुआ वो आप इस पूरी वीडियो में देखिए। इस वीडियो में ये लड़की हाथ में आईफोन लेकर जिसकी कीमत लाखों में होती है वो रोज़ेदारों का ईमान खरीदने चली थी, लेकिन इस शख्स ने जो किया वो देख कर आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये लड़की एक आदमी को रोककर उसको आईफोन के बदले एक घूंट पानी पीने को कहती है कि ये न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये आपका हो जाएगा, मगर आपको सिर्फ एक घूंट पानी पीना होगा। ये लड़की काफ़ी देर तक इस मुसलमान का जहन भटकाने की कोशिश करती है, मगर वो साहिब ईमान इसको साफ लेने से इनकार कर देता है और कहता है रोज़ा तोड़ना हराम है, मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं जैसा कि तुम समझ रही। उसी दौरान एक और मुसलमान वहाँ से गुजरता है। यह लड़की फौरन उसे रोक कर पूछती है हाँ मुसलमान हैं? वो शख्स कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मैं मुसलमान हूँ। फिर उसे भी ये वही चैलेंज देती है कि आपको सिर्फ एक घूंट पानी पीना है और आईफोन ये तुम्हारा हो जाएगा। अरबी भी कहता है कि चलो सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। इस पर सामने खड़ा मुसलमान ये कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने में ये अरबी पानी पीने ही वाला था, मगर सामने वाला ये मुसलमान उसके हाथ से पानी की बोतल गिरा देता है। कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ये गुनाह करते हुए नहीं देख सकता। इतने में वो दोनों लोग हंसने लगते हैं। हम तो सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या मुसलमान लालच में आकर अपना रोज़ा तोड़ सकता है। अब हमें मालूम हो चुका है कि एक सच्चा मुसलमान कभी अपना ईमान नहीं बेच सकता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।